तुम लोगों ने वीक एसिड देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, ठीक है, वीक बेस देखा, स्ट्रॉन्ग बेस भी देखा। अब क्वेश्चन है वीक मतलब कितना वीक है। अगर मैंने बोला कि भरत वीक है तो कितना, और भरत ज्यादा वीक है कि वंश ज्यादा वीक है, अरे बात समझ में, ठीक है, कि जी ज्यादा वीक है, जी वैसे वीक ही नहीं है, जी तो स्ट्रांग है, अरे बात समझ में, ठीक है, हमारा आयुष भी स्ट्रांग है, तो जो चीज स्ट्रांग है वो कितनी स्ट्रांग है और जो चीज वीक है वो कितनी वीक है, अरे बात समझ में, उसका कुछ क्वांटिटेटिव मेजर होना चाहिए कि अगर आप बोलो कि कोई तो एसिड स्ट्रांग है तो वो कितना स्ट्रांग है, अगर आप बोलो कोई तो एसिड वीक है मतलब वो कितना वीक, इसका मेजर क्या है, तो हमने बोला इसका मेजर है पीएच, स्मॉल पी कैपिटल एच, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर पी स्टैंड फॉर पोटेंस, पी किसके लिए स्टैंड करता है, पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। अब सुनो, पीएच को अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें, पीएच को अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम लोग बोलते हैं इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि पीएच को जब हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं तो ये होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस लॉग, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, लॉग क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जैसे प्लस एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है ना, वैसे ही लॉग भी क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता है, आपको जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देके रखते हैं वो हमेशा कैसे रखते हैं, 10 की पावर में देकर रखेंगे, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 6, तो जो भी पावर में होगा माइनस में वो पीएच होगा प्लस में, यानी कि अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन देके रखा हुआ है 10 की पावर माइनस 3, अगर मुझे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना देकर रखा हुआ है 10 की पावर माइनस 3, तो मेरा पीएच कितना हो जाएगा 3, मेरा पीएच कितना हो जाएगा 3, अगर मुझे 10 की पावर माइनस 4 देके रखा हुआ है तो पीएच कितना हो जाएगा 4, आ रही बात समझ में, मुझे बोला कि 10 की पावर माइनस 14 है तो पीएच कितना हो जाएगा 14, अगर मुझे बोला कि पावर है 10 की पावर माइनस 7 तो पीएच कितना हो जाएगा 7, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब पीएच बेसिकली क्या बताता है, पीएच हम लोग को ये बताता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है और कोई एसिड कितना वीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, पीएच स्केल होती है जो कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी करती है, जो वैरी करती है 0 से लेकर 14 तक, कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी करती है 0 से लेकर 14 तक। अब इसमें जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, 7 क्या होता है, न्यूट्रल, 7 क्या होता है, न्यूट्रल, जब मैं कहती हूँ कि 7 मतलब न्यूट्रल, मतलब अगर किसी चीज का पीएच 7 आया तो मतलब वो ना ही एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, जैसे वाटर का पीएच निकालने को जाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, वाटर का पीएच निकालने को जाओगे तो कितना आ जाएगा 7, लेकिन वाटर से जब आप एसिडिटी पे जाओगे मतलब एसिड की तरफ जाओगे तो आपका जो पीएच है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब जो चीज जितनी ज्यादा एसिडिक, जो चीज जितनी ज्यादा एसिडिक उसका पीएच उतना कम, और जो चीज जितनी ज्यादा बेसिक उसका पीएच जितना ज्यादा, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं 7 से 0 की तरफ मूव करूंगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर मैं 7 से लेके 14 तक मूव करूंगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब किसी भी चीज का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये पीएच कितना है ये हम लोग कैसे देखते थे, याद करो हम लोगों ने याद है इंडिकेटर्स पढ़े थे, जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ऐसा ही एक इंडिकेटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर आप एक या दो ड्रॉप पानी में डालोगे तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन, तो जो डार्क ग्रीन कलर रहता है वो क्या बताता है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, जो डार्क ग्रीन कलर होता है वो मुझे क्या बताता है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। अब अगर डार्क ग्रीन की जगह वो क्या होता जा रहा है, लाइट ग्रीन होता जा रहा है, फिर येलो होता जा रहा है, फिर ऑरेंज होता जा रहा है, रेड होता जा रहा है, तो जैसे वो रेड शेड्स पे जाते जाएगा मतलब वो एसिडिक है, और अगर वो ब्लू के शेड्स में जा रहा है जैसे ग्रीन से फिर और डार्क ग्रीन हो गया, फिर वायलेट हो गया, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू हो गया, तो ये क्या दिखाएगा कि जो बेसिसिटी बढ़ रही है। तो अगर तुमको बोलते हैं कि यार किसी सोल्यूशन का कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद कैसा हो गया, ब्लू हो गया, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, हाईली बेसिक,
बोला पर्पल हो गया तो बेसिक, बोला डार्क ग्रीन से थोड़ा सा और ज्यादा डार्क ग्रीन हो गया तो स्लाइटली बेसिक, बोला डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया तो स्लाइटली एसिडिक, लाइट ग्रीन से येलो हो गया तो थोड़ा सा और एसिडिक, येलो से ऑरेंज हो गया तो और ज्यादा एसिडिक, रेड हो गया तो हाईली एसिडिक। आ रही बात समझ में? तो या तो क्वेश्चन कलर के फॉर्म में आएगा या फिर तुमको दे देंगे पीएच की वैल्यू दे देंगे, चार चीजों की पीएच की वैल्यू दे दिया, बोलेंगे कि इसका नेचर बताओ कि ये बेसिक नेचर का है या फिर एसिडिक। तो सेवन से जीरो के बीच में क्या होगा? सेवन से लेके 14 तक बेसिक और सेवन क्या होगा? न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया? ठीक है, बहुत ध्यान से। जो हमारा सॉइल होता है उसका पीएच न्यूट्रल सही है, थोड़ा सा एसिडिक सॉइल भी चल जाता है, पर सॉइल का पीएच कभी भी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल का पीएच 5.5 से कम हो गया तो वो प्लांट ग्रोथ को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। अब अगेन तुमसे एग्जाम में कितना क्या आएगा कि सॉइल का पीएच या तो कितना होना चाहिए या कितने पीएच के नीचे प्लांट्स को, प्लांट्स की ग्रोथ क्या होने लगती है, रुकने लगती है। तो आपको लिखना है कि 5.5 से अगर कम हुआ तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो हमने लाइफ प्रोसेस में था, हमारे स्टमक में एचसीएल आता है, HCl का अगर कॉन्सेंट्रेशन फॉर सम रीजन बढ़ जाता है तो हमको क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। ऐसे में आपको क्या बोला जाता है कि या तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लो। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है? बेस। तो अगर एक्सेसिव एसिडिटी हो गई है और आप इसमें क्या करोगे? बेस डाल दोगे तो एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिमिलरली बेकिंग सोडा जो होता है वो भी आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो, जिससे क्या होगा? अगेन एक्सेसिव एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो भी क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं, और अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा पानी का पीएच कम हो गया तो उनके जो एग्स और लार्वे रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। हमारे जो दांत रहते हैं वो काय के बने हुए रहते हैं? इनामल के। काय के बने हुए रहते हैं? इनामल। इनामल किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। लेकिन जब हम कुछ मीठा खाते हैं या हम खाना खा के गागल नहीं करते तो हमारे माउथ में क्या डेवलप होने लगते हैं? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं? एसिड। और जब ये कैल्शियम फॉस्फेट इस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फॉस्फेट देखा जाए तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होने लगता है। आ रही बात समझ में? बोलो कोई परेशानी? लास्ट इज पीएच एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि चींटी, जैसे कि हनी बी, ये जब हमको क्या करती है? कट करती है, हमको बाइट करती है, तो ये हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है? मीथेनोइक एसिड। क्या करते हैं? मीथेनोइक एसिड। और यही रीजन रहता है कि जब हमको एंटस्टिंग होता है या बीस्टिंग होता है तो दर्द कम होता है बट जलन ज्यादा होती है, क्योंकि जो मीथेनोइक एसिड रहता है ये कोरोसिव इन नेचर रहता है, बर्निंग सेंसेशन देता है आपको। ठीक है, जनरली ऐसा एक और चीज होती है, ऐसी नेटल लीव्स होती है, एक पौधा होता है नेटल का जिसकी लीव्स की जो शार्प एजेस रहती है उसमें मीथेनोइक एसिड होता है। तो अगर आपने इस प्लांट को गलती से भी क्या कर लिया? टच कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये आपकी स्किन के अंदर मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देगी। पर अच्छी बात क्या है, नेटल लीव्स के पास हमेशा डॉग प्लांट ग्रो होता है। डॉग प्लांट का जो नेचर रहता है वो कैसा होता है? बेसिक रहता है। तो अगर आपको जस्ट इन केस नेटल लीव्स की वजह से आपकी स्किन में मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो भी गया है तो आप डॉग प्लांट के पत्ते लो, उसको उस पर रब करो तो वो एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी? तो ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल्स है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ।